नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रा। 2010 में लगे 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती को रद्द हुए करीब 3 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब 1 महीने से सभी जिलों में पीटीआई शिक्षक धरने पर हैं और सरकार से लेकर के प्रशासन के आला अधिकारियों तक वो अपनी आवाज को पहुंचा भी चुके हैं। उनकी मांग एक ही है कि संकट की घड़ी में रोजगार को उनसे न छीना जाए, उनकी तुरंत बहाली हो। धरने पर बैठे शिक्षकों का आरोप ये भी है कि हुड्डा सरकार में हुई भर्तियों के चलते वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं, और अब विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस और इनेलो दोनों दल धरने पर बैठे पीटीआई शिक्षकों के साथ हैं और सरकार पर कोर्ट में सही तरीके से पैरवी न करने के आरोप भी इन दोनों दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि 2010 में हुई भर्ती की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई। हालांकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी 2010 की इन भर्तियों को रद्द कर चुका है। तो अब कैबिनेट की बैठक में मुद्दा ना उठाए जाने से भी पीटीआई के शिक्षकों में रोष और ज्यादा बढ़ गया है। तो पीटीआई शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, चर्चा से पहले सबसे पहले हम आपको यह सुनवाते हैं। की जो मंत्रिमंडल की बैठक थी, उससे पहले हमारे जो पीटीआई साथी हैं, हमने तमाम जो मंत्री हैं जहां भी, उनका घेराव भी किया, उनको ज्ञापन भी दिया, और हमें पुरजोर उम्मीद भी थी और आश्वासन भी थे कि आपका जो मसला है वो कहीं ना कहीं हल कर दिया जाएगा। लेकिन आज का जो मंत्रिमंडल का जो एजेंडा है, उसके अंदर हमारी बात को बिल्कुल उन्होंने निरादर किया और उसको नहीं रखा। इससे हमें घोर निराशा हुई है। निराशा होने के साथ साथ हमें ये इस बात का भी एक हमारी जो जाहिर हुआ है, स्पष्ट हुआ है कि सरकार की नीति और नियत में खोट है। हम अपने आंदोलन को, अपनी रणनीति उसको बदलने का काम करेंगे, और सरकार का जहां भी सरकार का कोई नुमाइंदा जाएगा, सरकार का कोई भी मशीनरी जहां भी होगा, वहां उनका घेराव करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, और सरकार के जो गलत नीति है, सरकार की जो मंशा गलत है, उसको हम जनता के बीच में ले जाके उजागर करेंगे। तो पीटीआई की बात को आपने सुन लिया। हालांकि भर्ती कांग्रेस की सरकार में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया में खामी पाए जाने के बाद ही बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं, लेकिन नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी क्या कहा है, इसको भी सुनते हैं। पीटीआई का आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, भाई अब जो उनका क्या, उनको तो नौकरी देनी चाहिए थी। कोरोना के ऐसे में हमारी में नौकरी छीननी चाहिए सरकार को, नौकरी देने, रोजगार देना चाहिए, रोजगार छीनना नहीं चाहिए। और तो पीटीआई शिक्षकों के बाद आपने भूपेंद्र हुड्डा को भी सुन लिया, लेकिन सवाल आज के अहम, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाना संवेदनहीनता है, आज की बड़ी बहस का सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि 1983 जो पीटीआई टीचर्स हैं, अब उनके सामने विकल्प क्या बचता है, और ये दोनों ही सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जिस बात को एक बार फिर से दोहरा रहे थे कि इस कोरोना काल के अंदर इस तरीके से पीटीआई शिक्षकों को नौकरी से कम नहीं हटाया जाना चाहिए, ये एक अहम सवाल उनकी तरफ से उठाया गया था। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि आखिर फिर अब 1983 पीटीआई शिक्षकों के पास विकल्प इसके बाद बचता क्या है। अब इन्हीं सबके साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। और भूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला प्रधान है पीटीआई संघर्ष समिति के। भूप सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। जवाहर यादव जी एक बार फिर से आपसे शुरुआत करता हूं, पहले भी कई बार आपसे इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, आज फिर से भूपेंद्र हुड्डा इस बात को कह रहे थे कि वजह कोई भी रही हो, लेकिन कोरोना के काल में इन टीचरों को इस तरीके से यूं नहीं हटाया जाना चाहिए, यानी कि राजनीति एक तरफ इस पर हो रही है और पीटीआई टीचर भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों की दरअसल नीति और नियत दोनों सही नहीं है। मैं चाहूंगा इन दोनों ही सवालों का जवाब दें। देखिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं एक के बड़े कठोर शब्द से करता हूं, मैं कर सकता हूं इसलिए कर रहा हूं, वैसे वो शब्द मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में शब्द का कम से कम इस्तेमाल करता हूं। राजनीतिक बेशर्मी की हद है हुड्डा साहब की। माननीय सरोज पीटीआई कहते हैं जी हमारा दोस्त नहीं है, मान लीजिए इनका दोस्त नहीं होगा, हम इनके साथ कर रहे हैं कि इनका दोस्त नहीं होगा, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हुड्डा साहब की जब सरकार थी उस समय जो आयोग था वो ऐसे गिरोह के रूप में काम कर रहा था, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर रहा था। उसने 90% वो लोग जो इस भर्ती में आने चाहिए थे उनको दरकिनार करके, ये मैं नहीं कर रहा, पीटीआई मित्र मेरे मुझसे नाराज नहीं होंगे, ये मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बता रहा हूँ,
उन्होंने कहा कि 90% जो योग्य लोग थे उनको बाहर कर दिया और जो योग्य नहीं थे उनको किया गया। और यहाँ तक भी हुआ विडम्बना कि 25 अंक में से 27 अंक इंटरव्यू में दे दिए, जो देश के इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुए। इससे कलंकित काम कोई नहीं हो सकता। तो मुख्यमंत्री साहब ये मान लेते हैं कि आयोग आप बात का जवाब दीजिएगा। देखिए ऐसे चर्चा डिस्टर्ब होती है, आप आराम से सुनिए फिर उसका जवाब दीजिएगा। जवाहर जी अब मैं पहले अपने मित्र को एक सेकंड, ये कहते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ साहब, जो आपके पास तर्क है, क्योंकि मैं डिबेट को हर बार कोशिश करता हूँ कि पीटीआई पे ना करूँ, मैं व्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े करूँ, परंतु पीटीआई चाहते हैं इन पे डिबेट हो। तो सर जितनी आपने ज्ञानता है, जितना आपने तर्क सकती है, ये आप सिंगल बेंच में दे लेते हाईकोर्ट की, आप डबल बेंच में दे लेते हाईकोर्ट की, आप सुप्रीम कोर्ट, मैं तो एक एक शब्द वो कह रहा हूँ जो माननीय न्यायालय ने कहा है, चाहे वो सिंगल बेंच ने कहा हो, चाहे डबल बेंच ने कहा हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो इसलिए मुझे तर्क देके मत कीजिए मेरे पीटीआई से। तर्क आपके, अगर आपके तर्कों में दम होता तो आपने जो दीपेंद्र हुड्डा जी के कहने पर, ये भी मैं इसलिए पूछता हूँ, मुझे पीटीआई टीचर खुद बता के गए, दीपेंद्र हुड्डा जी के कहने पे जो आपने वकील रखा था सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल जी, उनको समझाते थे कि आपके तर्क इतने अच्छे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तर्कों को दे। फिर मैं कह रहा हूँ मेरी मंशा पीटीआई पर चर्चा करने के लिए, मैं व्यवस्था पर इस डिबेट को दोबारा से पुनः लेके आता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेसमी की हद ये यहाँ तक है कि केवल पीटीआई टीचरों के साथ धोखा नहीं हुआ, सर 2007 के कैनाल पटवारी की भर्ती, 2011 की एलडीसी की भर्ती, 2013 की एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की भर्ती, 2013 की जूनियर इंजीनियर सिविल की भर्ती, 2013 के ऑपरेटर, 2013 के असिस्टेंट लाइनमैन, 2006 के पीटीआई, 2006 के आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, 2006 के हिंदी लेक्चरर और 2007 के मंडी सुपरवाइजर। ये 10 सूची तो मैंने वो बनाई है जो हुड्डा साहब के समय में भर्ती हुई और माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हुआ और माननीय न्यायालय ने 10 भर्तियां रद्द कर दी। आप कहे के मुख्यमंत्री से, आपके आंख के नीचे, नाक के नीचे हरियाणा के युवाओं के साथ बलात्कार होता रहा और आप एक आके इनोसेंट आदमी बनके, इतने सीधा साधे आदमी बनके कहते कि क्या इनको कोरोना के बीच निकालना चाहिए। ठीक है, नहीं 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 जवाहर यादव जी, ठीक है, चलिए ये इन बातों का जिक्र होता रहेगा जवाहर यादव जी, क्योंकि अभी समय है मेरे पास, लेकिन मुझे एक बात का जवाब नहीं मिला। 1983 जो पीटीआई टीचर जो कि अब सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, रास्ता क्या बचता है? आखिर जो सत्ता में है वो उन्हीं से तो उम्मीद लगा सकते हैं ना, जो विपक्ष में बैठा वो उनके लिए क्या करेगा? इसलिए वो शायद आपसे उम्मीद लगा कर कह रहे हैं कि हमको साहब बहाल करिए, हमारे सामने तो अभी समय रोजी रोटी का भी संकट है। ये देश तो व्यवस्था से चलेगा। यहाँ तक हम कर्मचारियों की मदद करते थे तो हमने जेबीटी टीचर की मदद की, उस पर क्या संकट थे हम जानते हैं, परंतु एजी ऑफिस ने हमारे पास एक ऑप्शन था, क्योंकि वहाँ हम पार्टी थे हरियाणा सरकार में, तो एमएल खट्टर सरकार ने और एजी ऑफिस ने दोनों ने मिलकर उनकी पैरवी की, वो सीट से बच गए। जहाँ तक हमने गैस टीचर को भी बचाने की कोशिश की, परंतु जिस भर्ती के लिए, फिर मैं कह रहा हूँ, और ये आयुष जी आप जिसको रिपोर्ट पे कह चुके हो, क्योंकि पीटीआई टीचर को उसको जब मैं बोलता हूँ तो उनको लगता है कि जैसे मैं उनका व्यक्तिगत रूप से दुश्मन हूँ। ये आयुष जी आपके शब्द जिनको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, आपने ही डिबेट में कई बार कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि 90% उन लोगों को निकाल दिया गया जो योग्य थे। ये आपने कहा था आयुष जी कोर्ट में, क्योंकि मैं बोलूंगा और आपने गलत नहीं कहा, क्योंकि आपने कोर्ट के निर्णय का बात की थी तो मैं बोलूंगा तो ये कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ। फिर दूसरे ऐसे निर्णय को जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह रहा है कि 90% योग्य लोगों को निकाल दिया गया, उसमें सरकार क्या करे? और उनसे पूछो जो सरकार में उस समय रहते हैं, ठीक है, ठीक है। भूप सिंह जी जवाब दीजिए। जी सर, एक बात तो मैं जवाहर यादव जी से ये कहना चाहूंगा कि जब भी डिबेट पे आते हैं झूठ बोलने का ठेका ले लिया, इनसे ये पूछो भी कहां 25 में से 28 नंबर लगे हैं, पिछली डिबेट में तो इन्होंने कहा था कि 20 में से 28 लगे हैं, अब ये कह रहे 25 में से 28 लगे हैं, जबकि माननीय महोदय आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं 30 में से 28 नंबर लगे हैं। आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है, आप बिना तथ्यों के बिना लॉजिक के बहस करने आ जाते हो। आप सरकार के नुमाइंदे हो, सरकार की नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके से करो, ये तरीका नहीं है आपका। एक बताओ मतलब झूठे तथ्य नेशनल लेवल की टीवी बैठ के आप इस तरह प्रसार कर रहे हो। भाई साहब आप मेरे परम आदरणीय भाई हो, इस बात के मैं आप जोर देकर कहना चाहूंगा कि आप गलत चीजें ना दिया करें।
जो भी बात करें लॉजिक और बहस प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए आपकी। ये कहते हो उन्हें 25 की जगह 30 का इंटरव्यू था, उसमें 25 बता रहे हो बार बार। हमारा इंटरव्यू 30 नंबर का था, 30 में से किसी 27 लगे, किसी 28 लगे, वो अलग बात है। ये 25 का क्यों करें बार बार? उससे पीछे वाली बहस में 28 पे 20 पे खड़े थे, क्या झूठ बोले थे कि इन्होंने ले लिया? ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि मुलाजम साहिबान, मुलाजम कभी किसी सरकार का किसी पार्टी का नहीं होता, मुलाजिम हमेशा सिर्फ सरकार का नुमाइंदा होता है। पार्टी भाजपा हो, इनेलो हो, कांग्रेस हो, जो मर्जी हो, हमारा जो है कर्मचारी सरकार का नुमाइंदा होता है। ये सरकार के हिसाब से क्यों नहीं सोचते? ये तो पार्टी लेवल पर राजनीति कर रहे हैं, वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों ने क्या बिगड़ा इनका? हर जगह एक ही टॉपिक थोड़ी भी जो है 20-25 इंटरव्यू का रेट लगाए बैठे हैं, उसके अलावा तो कोई बात करो, कहीं ना कहीं तो ऐसा सिस्टम बात करो जिससे आम जन सुनने वाले को लगे कि भाजपा वाले सच बोल रहे हैं। आप तो सब झूठ का पुलिंदा लिए बैठे हो। आपने क्या वहां डॉक्यूमेंट्स कटवा के नहीं थे कैसेस बोर्ड में से भी कितने का इंटरव्यू था? अब उस दौरान मान लो प्रॉपर तरीके से डोमाइन नहीं हो पाया तो हम उसमें हमारा कसूर तो नहीं मुलाजिमों का? तो सर आप मानवीय आधार पे कहीं सोचिए, मानवीय आधार पे अगर आप सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन मुलाजिमों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात माननीय महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कह रहे हैं लॉकडाउन के दौरान एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अरे पे कोई भी प्राइवेट फर्म जिसमें मुलाजिम की रखे हुए हैं वो अपने मुलाजिम को ना निकालें, इस दौरान तनख्वाह दें। उसके बाद यहां तक भी कहे अगर किसी के अगर किराएदार कोई बैठे है तो उस किराएदार से भी किराया ना लें। और उधर सरकार के नुमाइंदे जो सरकार मौके पर चल रही है, जहां भाजपा की सरकार है, वो सरकार क्या कर रही है? 2,000 परिवारों को रोड पे कर दिया, एनएचएम के कर्मचारी 12,000 वो रोड पे बैठे हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात करी थी, इनकी लिस्टें देखो कितने क्लैश होगी, 2014 से लेकर 2020 तक की कितनी लिस्टें इनके चैलेंज हो रही है सारी सारे। ये तो सर हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। अगर एक तो बात ये करते हैं जवाहर यादव जी कन्फर्म करवा दे भाजपा में सरकार में बिल्कुल 100% फेर हुआ है, कभी हुआ ही नहीं कभी इनका, नायब तहसीलदार की भर्ती उसमें देखो क्या हालात हुए इनका। तो साथी थोड़ा सा लॉजिक वाली बात करें, बेलॉजिक बात ना करें। आप एक नेशनल टीवी बहस कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर लोगों का जो है ना वो है भी। जवाहर यादव जी आ रहे तो ढंग की बात करें, तो ढंग की बात कीजिए प्लीज आप। ठीक है, मैं इस बात का जवाब ले लूंगा जवाहर यादव जी से। लेकिन इस बीच हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी आज भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे कि देखिए सरकार को नहीं हटाना चाहिए, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर फिर किसकी नीयत और किसकी नीति में खोट है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी बार बार सवाल उठते हैं, भर्ती आप लोग के समय में थी, गड़बड़ी हुई तो फिर जिम्मेदारी अब इनके ऊपर आ रही है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो भी मौजूदा सरकार है किसी भी पार्टी की हो, लोगों को रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी है। जहां तक कि पहले भी गैस टीचरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उनको हटाने के लिए, उस टाइम भी स्पेशल कानून बनाकर उनको फिर उनकी भर्ती की गई। इसी प्रकार SC ST एक्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसके अंदर संशोधन करने का, जब पूरी देश की जनता उस फैसले के विरोध खड़ी हुई तो सरकार ने उस टाइम भी स्पेशल कानून बनाकर और उनको भी संशोधन करके उसी प्रकार दोबारा कानून वही बनाकर लागू किया गया। मेरी इनसे सरकार से अपील है, उसी प्रकार जिस प्रकार गैस टीचर का दोबारा भर्ती की गई है, SC ST एक्ट का जो कानून था उसी प्रकार रखा गया है, इसी प्रकार गैस टीचरों को भी स्पेशल नियम बनाकर या उनका अध्यादेश लाकर उनको दोबारा भर्ती की जाए। आज आपके सामने है 1683 गैस टीचर, उनके परिवार और उनके बच्चे भीषण गर्मी के अंदर धरने के ऊपर एक महीने से लगभग बैठे हैं, रोजी रोटी का उनके लाले पड़ रहे हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री जो होता है प्रदेश का राजा होता है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मुख्यमंत्री जी को इनको बहाली करने के बजाय इनके बात सुनना भी उचित नहीं समझा सरकार की। भैया कोई भी व्यक्ति है जो भी नागरिक है, सरकार का एक मतलब एक प्रदेश का एक नागरिक जो है प्रदेश का राजा की जुमारी बनती है, कोई प्रजा को तकलीफ है उसकी समस्या सुने, उसकी समस्या का समाधान करे सरकार, चाहे PTI टीचर की बात हो, चाहे प्रदेश में लोगों को रोजगार देने की बात हो। 6 साल के अंदर
रोजगार कहाँ दिए इन्होंने? ठीक है, अब मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। जवाहर यादव जी मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, एक तो क्या है, पहले तो मैं अपने कांग्रेसी मित्र का उत्तर देता हूँ। तथ्यों का पता नहीं और कुछ भी बोल देते हैं। पहले तो जो पीटीआई टीचर है उनकी संख्या 1683 नहीं है, 1983 है, नंबर एक। दूसरा, उन्होंने गैस टीचर का जिक्र किया, 1983 मुझे 1983 जवाहर यादव जी से अब जवाब ले लेते हैं। एक एक करके भूप सिंह जी आप भी एक एक करके और बजरंग दास जवाहर यादव जी को जवाब देखिए। आपको जवाब उनसे ही लेना है, भूप सिंह जी आपको जवाब उनसे ही लेना, तो सुनिए देखिए क्या करें। आपने भी जो आरोप लगाया उसका जवाब ले लेते हैं थोड़ा। जवाहर यादव जी, मेरे कांग्रेसी मित्र ने कहा गैस टीचर क्या? जी सर गैस टीचर पे मेरे कांग्रेसी मित्र ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, परंतु आपकी सरकार ने मिसेज राजन ने क्या लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि तुरंत गैस टीचर को हटाना चाहिए। ये तो भाजपा की एमएल खट्टर सरकार, मनोहरलाल खट्टर सरकार आ गई, उन्होंने इनको बचा दिया। इनकी सरकार में मिसेज राजन ने गैस टीचर के लिए लिख के दिया था कि गैस टीचरों को तुरंत हम विड्रॉ करते हैं, तुरंत इनको निकाल देते हैं। ये हमारी सरकार तो नहीं थी, तब आपकी संवेदनशीलता आपने पीटीआई क्या किया? आप इस समय कोर्ट में दाढ़ी में तिनका ठीक है। जवाहर यादव जी पीटीआई पर रहते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। ठीक है बजरंग दास गर्जी, लेकिन ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, आप भी पीटीआई पर ही रहिएगा, पिछला और अगला कोई हवाला मत दीजिए। जवाहर यादव जी जवाब दीजिए। आयुष जी मैं इनकी बात का जवाब दूं? ठीक है, देखिए कहीं से बात निकलेगी, कोई उसका जवाब देगा, फिर वो बात खींचेगी। ठीक है, हो गया। बजरंग दास ने बोल दिया, बजरंग दास धैर्य पूर्वक, बजरंग दास गर्जी धैर्य पूर्वक, झूठ की राजनीति नहीं चलती। ठीक है जवाहर यादव, गरीबों आप काम करते हो, पेट की बात तो गरीबों की। आयुष जी में कितनी फ्रस्ट्रेशन है वो डिबेट से नजर आ रहा है। आज गैस टीचर का जिक्र मैंने तो किया नहीं था, पहले इन्होंने मुझ पे प्रश्न खड़ा किया, मैं उसका उत्तर तो दूंगा ना, मेरा जिम्मेवारी बनती है उनका उत्तर देना। उसके बाद इन्होंने कहा कि रोजगार इस सरकार ने रोजगार ली, आप जो आरोप उत्तर नहीं दे रहे, आपने आरोप लगाया हो। बजरंग दास गर्जी देखिए, नहीं बजरंग दास गर्जी देखिए, फिर जवाहर यादव जी आपको नहीं बोलने देंगे, बजरंग दास गर्जी फिर आपको नहीं बोलने देंगे वो, पार्टी बनी क्या? और फिर पीटीआई का जो मुद्दा है वो वहीं का वहीं रखा रह जाएगा। ठीक है, जवाहर यादव जी जल्दी से कंप्लीट करें, भूप सिंह की बात पर आइए। देखिए वो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप बार बार प्रैक्टिकल के अंदर नंबरों का जिक्र करते हैं, जो क्राइटेरिया भी गलत है। मैं चाहूंगा उस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते चलिए, मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब भी लीजिए ना। देखिए जवाब उनसे ही लेना है, जो सत्ता में बैठा है जवाब उनसे ही लेना है। आप सवालों की झड़ी लगाते रहेंगे, जवाब कुछ मिलेगा नहीं, कोई हल नहीं निकलेगा इस बात का और ना इस चर्चा का कोई मकसद निकलेगा। इसलिए आप लोग सारे लोग डिबेट में बैठ देना, सबको पता है डेकोरम क्या है। मुझे बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, थोड़ा सा शांत होकर के सुन ले। आप सबको मैं समय दे रहा हूँ बराबर का। जवाहर यादव जी कंप्लीट करें। अब इन्होंने कहा जी रोजगार क्या किया इस सरकार ने, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड है हुड्डा साहब की सरकार की 10 साल का, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा। 10 साल में उन्होंने केवल 80,643 नौकरियों की बात की, जिसमें से 10 भर्तियां रद्द हो गई। 80,643 रिकॉर्ड पे दिखा रहा हूँ, सनवाइज बता सकता हूँ, 10 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास हुड्डा सरकार का, बोर्ड का भी है और आयोग का भी है, दोनों का मिला के बता रहा हूँ। हमारे 5 साल में मनोहरलाल खट्टर की सरकार में 1,00,000 विज्ञापन आ रहा है और 70,000 लोगों की भर्ती कंप्लीट हुई। 5 साल का रिकॉर्ड दे रहा हूँ, 10 साल का दे रहा हूँ। और ये अंका लोग लगाते हैं कि रोजगार का क्या किया आपने, निकाल कितने लोगों भी देखो ना आप। अरे एक मिनट सुनिए ना, बीच में फिर आपने कितने लोगों को नौकरी से बेरोजगार कर दिया, निकाल कितने देखो ना पहले, सुनना सीखो। 1,00,000 सुन लीजिए, पीटीआई के ऊपर भी थोड़ा सुनते हैं ना। देखिए आप लोग बात ही क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, मूल सवाल पे आते हैं, मूल सवाल पर आते हैं। ठीक है, एक सेकंड जवाहर यादव जी, पीटीआई जवाहर जी, पीटीआई जवाहर यादव जी, ठीक है, पीटीआई बेरोजगार हो गए, जवाहर यादव जी पीटीआई का जवाब। ठीक है,
जिसको ज्ञान मुझे देना है, आयुष जी मेरा निवेदन है, जिसको भी मुझे ज्ञान देना है मेरे बोलने के बाद वो मुझे ज्ञान दे दे। इसका मतलब जो शोर मचाता है, इसका मतलब वो चाहता है कि उसके पास सड़क नहीं है और वो जनता तक जी का आवाज ना जाए। अब मैं बात करता हूँ पीटीआई की सर जी, मेरे मित्र कहते हैं कि 30 नंबर का इंटरव्यू बजरंग दास गर्जी, मुझे क्यों कहना पड़ रहा है बार बार, इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, बताइए सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं। ना आपकी बात समझ में आ रही है, ना जवाहर जी की बात समझ में आ रही है, भूप सिंह जी भी बैठे हुए इतनी देर से, मैं चाह रहा हूँ पीटीआई पर है ना। देखिए आप बीच बीच में सवाल पूछते रहेंगे तो नहीं होगा ना, आपकी बारी आएगी आप सवाल पूछिए, आपकी बारी आएगी आप सवाल पूछिए ना, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, आप उस समय में सवाल ही पूछेंगे ना, आप उस समय में सवाल ही पूछेंगे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जवाहर यादव जी नहीं, बजरंग दास गर्जी ऐसे नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, चाय पी लीजिए। जवाहर यादव जी देखिए अब बात आती है पीटीआई टीचर से, मेरे पीटीआई टीचर ने मित्र ने कोई तर्क तो दिए नहीं, वो भावनात्मक मुद्दा लेके लॉकडाउन लेके मोदी जी की चर्चा कर ली, बाकी चर्चा कर ली और बीच में यहाँ मुझे और टोक रहे थे कि कितने रोजगार निकाल दिए, जैसे कि वो कहीं पार्टी के प्रवक्ता बहन तर्क पे बात करते हैं। मेरे मित्र कहते हैं जी 30 नंबर का इंटरव्यू था, तब आप तो मेरे कहने से नहीं हो रहा ना, अगर मैंने यहाँ कहीं गलती से 20 नंबर का बोल दिया तो मेरे कहने से नहीं हो रहा होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 25 में से 27 नंबर दिए हुए, मैं तो कह नहीं रहा, क्योंकि आयोग कोई भी ऐसा दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाया जिसके आधार पर यह हो कि इंटरव्यू 30 नंबर का था। फिर अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जो नया विज्ञापन आया है उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है कि जो इनका पहला विज्ञापन आया था उसी पैटर्न पे होगा। पहला विज्ञापन क्या था कि 200 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो नया विज्ञापन भी अभी यही निकला है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कहिए ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो इनका पहला विज्ञापन था उसी के आधार पर दोबारा नया विज्ञापन दीजिए। अभी आयोग ने जो विज्ञापन दिया मैंने पढ़ लिया, वो 200 नंबर की लिखित परीक्षा और 25 नंबर का इंटरव्यू, केवल मुझे कहने से गलत सर, यहां आप पूरी तरह गलत हैं। एक मिनट रुकिए भाई, मेरे बात बोलना ना, उसका आपका नंबर आएगा। दूसरा अगर मेरे ज्ञान नहीं मांगा सर, आप बहुत लोगों के लिए बहुत बड़े दमदारी के लाड़ी, आपको ज्ञान कौन बांट सकता है? मेरे बात बोलना, सूरज को दीपक का माथा दिखाने का नहीं है। मेरे बात बोलना मेरे मित्र, आपकी आवाज सब सुन पाएंगे, नहीं तो ना आप मेरी आवाज सुन पाएंगे ना मैं आपकी सुन पाऊंगा और दर्शकों को भी मजा नहीं आएगा। दूसरा मेरे मित्र को ये लगता है कि जवाहर यादव सारे तथ्य गलत रखते हैं, मैं अपने मित्र के साथ खड़ा हो जाता हूँ इनकी सहानुभूति के लिए, क्योंकि ये कहते ना किसको मानवता के आधार पर, ये मान लीजिए जवाहर यादव ने सारी चीजें गलत कह दी तब आपने तो न्यायालय में जाके ठीक बात की होगी, आपने तो सिंगल बेंच में भी सारे तरक दिए होंगे कि देखिए जी जवाहर यादव तो गलत कह रहे हैं, 25 नंबर का इंटरव्यू ये हमारे दस्तावेज है, 30 नंबर का इंटरव्यू है। आप जवाहर यादव तो गलत कह रहे हैं कि 90% वो लोग भर्ती में शामिल कर दिए गए जो कि शैक्षणिक योग्यता में उपयुक्त नहीं थे, हम कोर्ट में ठीक दस्तावेज, तो आप मेरे आपका कोई झगड़ा थोड़ी है, आप मेरे भाई हो, तो आपने अपनी जो तर्क शक्ति जो ज्ञान है वो सारा का सारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना था, मेरे समक्ष मैं सहमत हूँ ना, उससे मेरी कीमत क्या है? मैं तो आपके साथ खड़ा हो गया। चलिए मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पीटीआई के साथ खड़ी है, जवाहर यादव पीटीआई के साथ खड़ा है, अब क्या सर्वोच्च न्यायालय आपके पक्ष में निर्णय दे देगा क्या? वहाँ तो तरक चलेंगे, तरक आप शुक्र है आज आपने पहली बार ये बोला तो सही सर, वकील का पैसा मैं दे दूंगा। चलिए अब भूप सिंह जी, जवाब दीजिए। आयुष जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, मेरे आदरणीय भाई हैं जवाहर जी, हालांकि हम पर्सनल कभी मिले नहीं। जवाहर जी एक बात बताइए, आपने कहा गेस्ट टीचर, पहली बात तो आज का मुद्दा 1983 पीटीआई पे केंद्रित रखिए, दूसरी बात यह है कि गेस्ट टीचर का जो है ना, आपने कहा भी कांग्रेस सरकार की देन थी, हमने उसको पक्का करवाया, तो भाई साहब एक बात बताइए भी हमने कौन सा गुनाह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के तो आदेश गेस्ट टीचर के मामले भी आया था, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जब एकदम से जो रोड पे लाए खड़ा कर दिया? ठीक है, क्या जब आपका मान ये मूल सवाल है, ये मूल सवाल है, इसका जवाब लेते हैं। और दूसरी बात आपने जवाहर जी ना, ठीक है एक सवाल और उनका ले लेते हैं, भूप सिंह जी का एक और सवाल ले लेते हैं, भूप सिंह जी, ठीक है, 25 में से
पिछली शुरू वाली डिबेट में जब आप बैठे थे मैं आपके साथ था तब आपने कहा 20 में से 25 लगे, आज आपने पिछले वाली डिबेट में कहा 25 में से 27 लगे, आज आप फिर 25 पे खड़े हो। माननीय महोदय मैं आपको बता देता हूँ ये 30 नंबर का इंटरव्यू था, 30 में से 25 नंबर लगे हुए, 27 नंबर लगे। जवाब दीजिए, अच्छा दूसरी बात, आप दोनों साथियों आपका पुराना अनुभव है, आप हमारी बात पे केंद्रित क्यों नहीं होते, आप दुनिया भर की फालतू बातें क्यों कर रहे हो, किसी और पुराने मुद्दे क्यों उठा रहे हो आप, ठीक है आप खुद ही तो अपनी बात करते हो, खुद से ठीक है लड़ जाते हो आप भूप सिंह जी, ठीक है अब जवाब दूसरी एक और सुनिए सर, आयुष जी प्लीज एक सेकंड सर, बीच में साथी ने कहा लॉकडाउन कहीं भी कोर्ट के फैसले में ये वर्डिंग नहीं आई भी इनको जो ना उसको निकाला जाए, कहीं टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन धक्के से लॉकडाउन पूरा खत्म नहीं हुआ, लॉकडाउन तो एक तरह से खत्म हुआ है, इससे पहले इन्होंने हमें ऑनरोड कर दिया, इनसे ये पूछा जाए कि क्या बात ये हरियाणा के निवासी नहीं है क्या, सरकारी मुलाजम नहीं थे क्या, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारा क्या, आप हमारे जब ये साथी 2010 में लगे हैं उससे पहले के और उसके बाद के हालात में आप देखिए कहां हमारा जो है खेलों का मामला, पहले स्टेटस हमारा क्या था 2010 के बाद हमारा स्टेटस क्या है, पहले एसटीएफ जो फेडरेशन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में उसमें 2-4% पे थे, आज हमारा 72% रिकॉर्ड हमारे हरियाणा का है इन 2010 वाले साथियों को बदौलत, आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं देखते आप, ठीक है अब मूल प्रश्न पे आ जाते हैं, गेस्ट टीचर्स के फैसले को लेकर के अगर आप लोग कोर्ट के फैसले को लेकर के अगर आप लोग उनकी बहाली दोबारा से कर सकते हैं तो इनकी क्यों नहीं हो सकती, उनका मूल प्रश्न यही था, जवाब याद दीजिए जवाब दें। मैंने मेरे नजर में इनके इस पूरे उसमें 4% निकले, चारों का मैं छोटा छोटा उत्तर देता हूँ, मुझे सबको समय देना होगा, हो गया एक सेकंड जवाहर यादव जी जवाब दें, देखिए इन्होंने कहा कि गैस टीचर का कर दिया हमारा क्यों नहीं किया, गैस टीचर में कहीं भी किसी तरह के वो नॉर्म्स नहीं टूटे जिसमें ये कहा गया हो कि किसी को प्लानिंग करके अंदर किया गया और किसी को प्लानिंग करके बाहर किया गया, इसलिए इस वाले मामले में पीटीआई टीचर की चाहकर भी हम मदद नहीं कर पाते, गैस टीचर के साथ ये आरोप नहीं था, फिर भी तो बात कर रहे हो, फिर बीच में आ गए, हे भगवान सुधबुद्धि दे इन लोगों को, अरे तू सुधबुद्धि सुप्रीम कोर्ट में जाके दे लो सर, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, झूठ बोलने में बीच में टोकूंगा, सीधी सी बात है, तू भी मेरी फ्रेंड, अगर आप झूठ बोलेंगे लॉजिकल बातें करें तो बीच में बोलूंगा, एक बात तो आप इनसे ये पूछे बार बार क्यों कर रहे हैं, गैस टीचर का मामला ये था उनके बारे में ये नहीं था, गैस टीचर 10.5 महीने और लड़ रहे हैं 10.5 महीने और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम आउट किया 3.5 महीने से पहले पहले इनको निकाल दिया जाए और वो 10.5 महीने बाद वापसी कर रहे हैं, ठीक बात है जवाहर यादव जी, लेकिन उनकी भी समस्या है, वो भी आप परेशान है, क्या करें कहां जाए, आप सही जवाब लेंगे ना, हां तो मैं उत्तर दे रहा हूं ना, इन्होंने 4% किया उनका उत्तर लेते नहीं, फिर नई बात शुरू कर देते, मेरे देखिए मेरे तरफ से ये सहमत है असहमत है मुझे उसकी वो नहीं है, वो तो दर्शक तय कर लेंगे कि कौन सत्यों के साथ अपनी बात कर रहा है, यहाँ कोई सीरियल नहीं हो रहा जिसमें हम कुछ भी बात कह के निकल जाएंगे, जनता सर समझती है, मैं तर्क चाहता हूँ, इनके चारों क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, पांचवा आएगा उसका भी उत्तर दूंगा, इन्होंने प्रश्न किया मुझसे कि 30 नंबर का इंटरव्यू था, सर मैंने मान लिया 30 नंबर का था, पर कोर्ट ने क्यों नहीं माना, मेरी तो तर्क ही है, आपने कह दिया मैंने मान लिया भाई के नाते, पर कोर्ट ने तो नहीं माना ना, कोर्ट ने तो अपने उसमें टिप्पणी यही की ना कि 25 में से 27 दिए गए, नंबर दो, तीसरा इन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ये गलत डिसीजन किया इस सरकार ने, आप हमारे खिलाफ है, आप मुकुल रोहतगी को लेके सुप्रीम कोर्ट की रिवीजन डिवीजन में दोबारा गए ना, सुप्रीम कोर्ट में उठा के इनके पेपर बाहर फेंक दिए, इसमें मेरा क्या गलती है, इनको निकालने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे निकालने के बाद ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दोबारा गए मुकुल रोहतगी जी की को लेकर, पहले कपिल सिब्बल जी को लेके गए थे, अब मुकुल रोहतगी जी को लेकर गए, इनकी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सुनना ही नहीं समझा, इसमें जवाहर यादव या भाजपा सरकार का क्या कसूर है, अब आता है ये कहते हैं कि इन्होंने, मैं मानता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए होंगे और ये अनुभवी लोग हैं, तो साहब आपके लिए तो अच्छा है, दोबारा से अगर परीक्षा हो रही है, मैं आपकी जगह होता तो मैं कहता उस समय जो मेरे समय में एक व्यक्ति बाहर हो गया उसकी दैनिक योग्यता मुझसे बेहतर थी, वो बेचारा कहीं मोची बन गया होगा, वो कहीं किसान की खेती कर रहा होगा, वो कहीं मजदूरी कर रहा होगा, किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, आप तो 10 साल से इस जीवन को जी रहे हो तो फिर आपका तो किसी से मुकाबला नहीं है, आप तो इतने ज्ञानी और इतने अनुभव हो गए तो आपको तो परीक्षा से वैसे ही नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा 10 साल से पढ़ाई से बाहर हो गया, जो अब आपके साथ कंपटीशन करेगा उसको पता ही नहीं पीटीआई की पढ़ाई क्या है, क्योंकि वो तो निराश हताश होकर अपने दूसरे कामों में लग गया,
तो आपके लिए तो सोने सोने में सुगंध है कि आप दोबारा से दोबारा अगर टैलेंटेड हैं तो मेरी शुभकामनाएं भी आपको है कि आपकी चयन प्रक्रिया में आपका नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, खुश होना चाहिए। अब बजरंग दासगर जी, बजरंग दासगर जी भाई साहब, हम शुभकामना ना दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए सरकार में रहने का। हम आपके सहयोगी थे और आगे भी सहयोग करेंगे हम आपका। शुभकामना। भूप सिंह जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार की नीयत ठीक थी और सीएम ठीक है तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पार्टी खुद क्यों नहीं बनी? सरकार को पीटीआई टीचर हक में पार्टी बनना चाहिए था, वकालत करनी चाहिए थी और सही जवाबदारा पेश करना चाहिए था। और सरकार सही नीयत से सही जवाबदारा पेश करती तो इनको यह दिन देखना नहीं पड़ता। हकीकत में क्या है, सरकार की नीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी। ये नहीं चाहती थी कि पीटीआई टीचर बहाल हो, ये सुनिए, यही चाहते थे। आज बार बार यही बात कह रहे हैं, हम क्या करें जी, बकायदा सही नहीं हो रही। भाई सरकार की जिम्मेवारी बनती है कोई कमी बेसी रहे उसको ठीक करे। जो परिवार सड़कों पे बैठे हैं, जो बेघर हो गए, रोटी रोजी के लाले पड़ रहे हैं, भविष्य गर्मी के अंदर धरने पे बैठे हैं, उनको रोजगार दे। दस साल से जो सरकारी, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये जवाब तो सरकार को देना चाहिए। बजरंग दासगर जी, ये कमी बेसी हो क्यों गई? सवाल तो मूल ये रहेगा कि कमी बेसी क्यों हो गई और क्यों इन पीटीआई 1983 टीचरों को आना पड़ा सड़कों के ऊपर, ये स्थितियां बनी ही क्यों? बजरंग दासगर जी, आयुष जी मैं कही करता हूँ, मौजूदा सरकार की लापरवाही है। मौजूदा सरकार अगर पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बनती, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये केस हारने वाला नहीं था। सुप्रीम सरकार की ठीक है, सारी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार ने 2010 की बनती हुई, इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार 2010 वालों की जिम्मेदारी। ठीक है, भूप सिंह जी, ठीक है, एक सेकंड भूप सिंह जी, आ रहा हूँ जवाब जी आपके पास, आपके लिए सवाल है, आपको जवाब देना है, लेकिन एक एक करके सबका सवाल ले लेता हूँ, नहीं तो आपको बोलने नहीं देंगे। भूप सिंह जी अच्छा ये बार एक सवाल और लेकिन शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता। सरकारी कर्मचारी जो ये सबको पता है, सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन जिस पार्टी की सरकार के समय में भर्ती हो रही हो उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि हर चीज की मॉनिटरिंग करें कि वो कोर्ट तक सारे मामले ना पहुंचे। ये जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की भी होती है, जिसके दौर में हुई उसकी भी होती है, कोई एक जिम्मेदार नहीं होता। बस मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है, हो गया। भूप सिंह जी ठीक है, बजरंग दासगर जी आपका सवाल हो गया, बजरंग दासगर जी आपका सवाल हो गया। जवाहर यादव जी ने नोट कर लिया, वो उसका जवाब दे देंगे। आप भूप सिंह जी का सवाल ले लेते हैं ठीक है, हो गया। बजरंग दासगर जी आपका सवाल आ गया, भूप सिंह जी हाँ जी सर, एक तो सबसे पहले जवाहर जी से ये पूछना चाहता हूँ, और फिर सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करूंगा, पहली बार इन्होंने ये तो कहा भी हम इनके साथ हैं, लेकिन इनके लक्षणों से किसी भी हाल में ये नहीं लगता है, क्योंकि उससे पहले हम सारे जितने इनके भाजपा के एमएलए हैं, भाजपा के जो मौजूदा मंत्री हैं, एमपी हैं, उन सबसे हम बार बार जाके मिले और सबने हमें बड़ी अच्छी अच्छा मीठा आश्वासन दिया, सीएम साहब से वार्ता भी करवाई और वार्ता बहुत सकारात्मक हुई, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बदमाशी इनमें ये आ गई भी, जिस मामले को प्रमुखता से उठाना चाहिए था, आज वो मामला मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें हमारा मामला कहीं आया ही नहीं, जबकि आज के 6 तारीख के डेट पे आज हमें पूरा भरोसा था भी हमारे फैसले के बारे में कुछ ना कुछ सरकार सकारात्मक सोचेगी। सरकार ने कहीं नहीं सोचा, ये हमारे जो पीटीआई है 22 के 22 जिसको हम धरना दे रहे हैं, बहुत अनुशासित तरीके से इस कोरोना की महामारी में इतने शांतिमय तरीके से बना धरना दे रहे हैं, किसी आम जन को जो है कोई परेशानी नहीं होने दी, जबकि इस दौरान इनके राजनीतिक रैलियां जो वर्चुअल रैली कर रही हैं, या कई बार भगवाना ठीक है उस पर नहीं जाते हैं, उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, आपका सवाल सही है कर ले तो ये आज जो बैठक हुई उसके अंदर उठना चाहिए था, उसके अंदर भी ये मुद्दा नहीं उठा, ठीक है। अब जवाब दीजिए, कुछ हो भी इनको जो है ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, क्या बात है। भूप सिंह जी अब आपका भी सवाल हो गया, बजरंग दासगर जी का भी सवाल हो गया, अब दोनों लोग धैर्यपूर्वक सुनिएगा, अब दोनों लोग धैर्यपूर्वक सुनिए, ठीक है। अब जवाहर यादव जी, जवाब देंगे, ठीक है, ठीक है आयुष जी, कल की बात और बताता हूँ आपकी,
परसों हरियाणा सरकार ने जो एक्स ग्रेस चेक के तहत जिनकी पेंशन चल रही, जो साथी हमारे 39 साथी एक्सपायर हो गए हैं, उन साथियों को जो पेंशन चल रही थी, परसों सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया कि उनकी विधवा पेंशन भी वो रोक दी गई, एक्स ग्रेस चेक के तहत जो राशि मिलती है वो भी सरकार ने रोक दी है। आप इससे अंदाजा करें सरकार कितनी अमानवीय साबिता में, ठीक है, हो गया, सवाल हो गया आपका। आम आदमी अनपढ़ आदमी से बात करते हो, ठीक है, भूप सिंह जी, भूप सिंह जी, ठीक है, भूप सिंह जी, भूप सिंह जी, आप जवाब सुनिए, इस बात का जवाब दीजिए, एक्स ग्रेस चेक के लगे साथियों की आपने सवाल हो गया, फरमान जारी कर दिया, सवाल हो गया, कैसे मानने लगता है आपको जरा, अब धैर्य पूर्वक सुनिए जवाहर यादव जी। देखिए पहले तो मैं कांग्रेसी मित्र जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे जैसे हम यहाँ युद्ध में हैं या कहीं हैं, इन्होंने एक प्रश्न बड़े जोर से उठाया, मौजूदा सरकार की गलती है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, मौजूदा सरकार की गलती है सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, अरे फिर बीच में आ गए, फिर बीच में आ गए, ये भाई चल जो आदमी आप ने आज मैं कैसे इंटरमेड करूं, देखिए आप फजूली बात क्यों करते हो, बीच में आ गए, युद्ध की क्या बात होगी, फिर बीच में आ गए, बताइए ये देखो यार, ठीक है एक सेकंड, अरे जवाहर यादव जी, जवाहर यादव जी जवाब देना होगा ना, देखिए एक सेकंड मैं शांत करा रहा हूँ, बजरंग दास गर्जी शब्दों को मत पकड़िए, बजरंग दास गर्जी शब्दों को मत पकड़िए, देखिए मैं कह रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब चाहिए, मूल प्रश्न क्या है, भूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, मूल प्रश्न ये है कि पीटीआई टीचरों के साथ आगे क्या होगा, क्या ऑप्शन है, मूल सवाल इसी पर रहते हैं, शब्दों को मत पकड़िए, देखिए शब्दों को मत पकड़िए, अगर ऐसे शब्दों को आप पकड़ेंगे तो आपकी बात को पकड़ेंगे, आप उनकी बात को पकड़ेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, चलिए ठीक है, युद्ध वाली बात खत्म हो गई, ठीक है, जवाहर यादव जी कंप्लीट करें, और आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, देखिए मैं सबको समय दे रहा हूँ, अगर कोई एक सुन रहा है तो आप भी सुनिए, आप सब सुनिए, जवाहर यादव जी मैं तो अपनी बात शुरू ही तब करता हूँ जब आप मुझे परमिशन देते हैं, दोनों चुप, मेरे मित्र चुप हो जाते हैं, मैं फिर आता हूँ, बजरंग दास जी बड़ी तेज तेज से कह रहे थे कि जो क्या नाम है मौजूदा सरकार जिम्मेवार है सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, मौजूदा सरकार जिम्मेवार है सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ, क्योंकि उस समय 2013 में जब डबल बेंच में आ रहे तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सरकार को पार्टी बनना चाहिए था, वो नहीं बने, मैं भी तो यही कह रहा हूँ मेरे मित्र कि उस समय की मौजूदा सरकार जिम्मेवार है, आप 2012 में सिंगल बेंच में आ रहे पीटीआई हाई कोर्ट में, 2013 में डबल बेंच में आ रहे हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है, उसमें केवल पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गए, और उस समय की मौजूदा सरकार जो हुड्डा साहब की सरकार थी, क्योंकि वो 2012 में हार गई थी सरकार होते हाई कोर्ट में, 2013 में हार गई थी, तो उनको लगा हमारी सुप्रीम कोर्ट में फजीहत ना हो, वो इतने उस्ताद निकले कि वो सरकार में पार्टी नहीं बने सुप्रीम कोर्ट में, तो बजरंग दास जी जो आपने हुड्डा साहब को एक्सपोज किया है उसमें मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि उस समय की मौजूदा सरकार हुड्डा सरकार का ये नकारापन था, निकम्मापन था, वो पार्टी नहीं बनी, अरे बजरंग दास गर्जी अगर आप बोल रहे हैं और ऐसे ही मैं भी बोलता रहूं, ऐसे ही जवाहर यादव जी भी बोलते रहे और ऐसे ही बीच में भूप सिंह जी भी बोलते रहे तो क्या आप अपना सवाल पूछ पाएंगे, थोड़ा सा शांत रहिए, बार बार मुझे क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि आप लोग शांत नहीं रहे, चर्चा का डेकोरम मुझे समझाना पड़ रहा है आप लोग को, बताइए बजरंग दास गर्जी अगर वो जवाब दे रहे हैं आप उसके बीच में बोलेंगे तो ना जनता समझ पाएगी, ना मैं समझ पाऊंगा, ना कोई समझ पाएगा, इसलिए मैं सबको बराबर समय दे रहा हूँ, आप सुनिए मैं मुझे क्यों कहना पड़ रहा बार बार, बजरंग दास गर्जी अगर मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, अगर मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ, आप उसका जवाब ना दे पा रहे हो तो आप कहिए, आप बेशक कहिए कि आप मुझे समय नहीं दे रहे, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब ले रहा हूँ, तो आप सुनिए जब मैं आपके पास आऊंगा आपका जवाब दीजिएगा, जवाहर यादव जी गलत बोल रहे थे, जवाहर यादव जी का ये तथ्य सही नहीं था, इसको करेक्ट करिएगा आप, लेकिन आप सुनिए धैर्य पूर्वक, मैं फिर आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, आप शांत बैठिए, जवाहर यादव जी आप मेरे मित्र बजरंग दास जी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार को इन्होंने एक्सपोज कर ही दी हुड्डा साहब की, अब ये कहते हैं कि आप सरकार क्यों नहीं थे, तो इनकी जानकारी के लिए बताया हूँ, हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो एक निश्चित समय सीमा होती है जिसके बीच सरकार को पार्टी बनना होता है, ये 2013 में हारे, हम तो 2014 अक्टूबर में आए, इसके सवा साल बाद इस निर्णय के बाद आए, ये कहते हैं कि हम पार्टी क्यों नहीं बने, तो आपके ज्ञान के तो आप ही मालिक है, मेरा साधुवाद आपके साथ है। अब मैं आता हूँ अपने पीटीआई टीचर मित्र के साथ,
इन्होंने कहा कि जी क्या किया, और दूसरा एक और मैं बजरंग दल जी को कहता हूँ, ये कहते जी मानवता के आधार पे कर लेते तो साहब औद्योगिक सुरक्षा बल के लोग जो चौटाला साहब के समय में लगे थे आप उनके साथ मानवता दिखा लेते, बंसीलाल जी के जो पटवारी हटाए गए थे उनके साथ मानवता दिखा लेते, तो इसलिए करने के समय अंतर मत कीजिए। अब मेरे मित्र पीटीआई टीचर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी वर्चुअल रैली क्यों कर रही है, जवाहर यादव गलत तथ्य कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि सारी चीजें आपकी ठीक होंगी साहब, जो ये आप ज्ञान और तर्क देते हैं साहब, ये सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं चले आपके, मेरा क्या दोष है जो आप उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं। आप सिंगल बेंच में आप हार जाते हैं, डबल बेंच में आप हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप हार जाते हैं, फिर दोबारा रिवीजन में जाते हैं डबल बेंच के में, मुकुल रोहतगी जी आपके एप्लीकेशन फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार नहीं करता, उस समय की कमियों का आप जो ठीकरा फोड़ना होता है वो हमारे सर पे फोड़ना चाह रहे हैं। साहब मुझे भी टीचर मिलके गए हैं, पीटीआई टीचर, मैं नाम नहीं कोट करना चाह रहा, एक पीटीआई टीचर मुझे कहता है सर मैं दलित था, मेरी मजबूरी है कि इन्होंने मुझे इंटरव्यू में 7 नंबर दिए तब भी मेरे शैक्षणिक योग्यता थी कि मुझे चाकर भी बाहर नहीं निकल पाए, और वो मुझे बोल के गया सर मैं दलित हूँ और दोबारा इस भर्ती में शामिल होकर दिखाऊंगा, वो रो के गया मेरे सामने, कह रहा मेरी नौकरी की मुझे चिंता नहीं है, मुझे अपनी योग्यता पे विश्वास है। उसने मुझे आके अपनी पीड़ा बताई, पालन विहार में मेरे घर पे आया, कह रहे सर मेरे 7 नंबर दिए गए शैक्षणिक योग्यता में, उसके बाद भी मुझे बाहर निकल पाए। ठीक है, ने मुझे कहा ठीक है, अब ठीक है, अब समय कम है मेरे पास, एक एक करके फाइनल कमेंट में सबका लगा, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, फिर बीच में आ गए, ये मुद्दा ही क्यों, ठीक है आप, तो ठीक है, भूप सिंह जी ठीक है, जवाहर यादव जी मुझे लगता है आपने लोगों की बातों का जवाब दे दिया, अब एक एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, चर्चा समाप्त करनी है मुझे। भूप सिंह जी फाइनल कमेंट आपका। माननीय सर आयुष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जवाहर जी ने कहा, जवाहर जी का हम मुकाबला बोलने में नहीं करते थे कि मुलाजिम आदमी मैंने स्कूलों पढ़ाना सीखा है, हमने बहस करनी नहीं सीखी सर, ये तो रोज टीवी पे रहते हैं, ये तो मेरे ख्याल में 12 घंटे में 6 घंटे टीवी बहस पे रहते हैं, इनका मुकाबला बहस करने में और इस हिसाब से नहीं कर सकते, इनको झूठ बोलने का अनुभव भी अच्छा है, हमारा तो जवाहर यादव सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के साथ यहाँ झूठ बोल रहे हैं, हर बात का उल्लेख करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपके तर्क अगर करेक्ट है, आपके फैक्ट और आपके तर्क करेक्ट है, मुझे लगता है कि न्यायालय पर आपको भरोसा होना चाहिए था, अगर वहाँ भी नहीं चले और बात को अगर वो बार बार उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको देना चाहिए। जवाहर यादव जिससे आपको इन्फॉर्मेशन करने की आवश्यकता ही नहीं, ये दोनों के दोनों हमारे मामले को डिफेंड नहीं कर पाए, अगर सरकार अपने तथ्य ढंग से पेश कर देती तो आज हमारे 2000 साथी रोड पे नहीं होने थे, आज सारे साथी स्कूलों में होने थे, आज अमेजन तपती धूप में लोगों को थालियां बजा बजाई भीख मांगनी पड़ रही है, मंत्रियों को घेराव करना पड़ रहा है, बाजार में प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, प्रशासन के नाक के नीचे अमेजन है उनसे डंडे डंडा बजाना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, शौक थोड़ी है, ये हमारी मजबूरी है। मैं फिर सर भाजपा सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार मुलाजिम के लिए माई बाप होती है, अगर सरकार मुलाजिम की नहीं सुनेगी तो सुनाने के लिए क्या पाकिस्तान जाएगा क्या, वो ये साथी क्यों नहीं करते इस बात को, क्यों नहीं बहस पे आते, ये तो दोनों आपस में एक दूसरे की बात करते हैं, जाते हैं मुलाजिम की बात फिर दबा देते हैं, चाहे जवाहर यादव जी हो, चाहे परवीन अत्रे जी हो, चाहे बजरंग जी हो, जो मर्जी हो, जिस पार्टी का मर्जी नुमाइंदा है वो अपनी पार्टी की राजनीति चमकाता है वहां पे, अगर यहाँ इनकी जगह पे कोई एजी आया होता है, कोई तार्किक बात करने वाला बंदा आया तो उसको बात को जवाब भी देते, आज उन्होंने बातें सारी भी चुकी की है, मैं आज तक भाई अरे भाई जी अगर तार्किक बातें हो रही होती और आपका तर्क भी सही होता तो मुझे लगता है ये तर्क आपके कोर्ट के अंदर चल जाते हैं, आपको सरकार से हल चाहिए ना, तर्क से हल निकलना होता तो कोर्ट से निकल जाता, कोर्ट ने तो कह दिया ना कि गड़बड़ था हमारी, तो दोनों ठीक है चक्कर में हमारी नौकरी गई। बजरंग दास गर्ग जी 2000 राती रोड पे आए, 39 साथी हमारे डेथ हो गई, भूप सिंह जी अब मेरे पास समय नहीं, बजरंग दास गर्ग जी को भी मुझे समय देना है, ठीक है भूप सिंह जी हो गया, एक सेकंड थोड़ा सा शांत हो जाए, अब आप शांत हो जाए, बजरंग दास गर्ग जी आयु जी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सरकार की जुम्मेवारी बनती है, सरकार अपनी जुम्मेवारी से ना भागे, सरकार की जुम्मेवारी बनती है लोगों को रोजगार देना, बिल्कुल रोजगार छीनना नहीं है, सरकार द्वारा इनको इनकी पुनः भर्ती करे, स्पेशल कानून बनाए या अध्यादेश लाए, सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, आज उम्मीद थी मंत्रिमंडल की जो मीटिंग हुई पीटीआई टीचरों को बड़ी उम्मीद थी, आज उनके हक में कोई ना कोई मंत्रिमंडल में कोई फैसला लिया जाएगा, मगर उस पर कोई चर्चा तक नहीं हुई, बड़े अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है 10 साल जो आदमी नौकरी कर लेता है उसके बाद दोबारा भर्ती के अंदर इंटरव्यू देने के लिए भर्ती के लिए भाग लेना बड़ी भारी दिक्कत आती है,
ये पीटीआई टीचर आज बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जब बच्चों को उच्च शिक्षा देने वाले हमारे पीटीआई टीचर खुद सड़कों के ऊपर भूखे प्यासे बैठे हैं, सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को हल निकालना चाहिए। ठीक है, अब एक फाइनल कमेंट जवाहर यादव जी, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि चर्चा में समाप्त कर लें। अब फाइनल कमेंट, ठीक है, जवाहर यादव जी का, जवाहर यादव जी का फाइनल कमेंट, ठीक है। अरे बीस्ट जी, भूप सिंह जी, भूप सिंह जी, जवाब ले लीजिए, भूप सिंह जी जवाब ले लीजिए। ठीक है, सरकार की जब पर्चियां जो रद्द, ठीक है, उत्तर सरकार की जब पर्चियां रद्द हुई, मदन दास गर्ग जी आप कहाँ थे? क्यों इन तक भर्तियां, जो उद्धव सरकार की 10 भर्तियां रद्द हुई, उद्धव साहब उस समय कहाँ थे? क्यों नहीं इन तक लोगों को ज्वाइनिंग दी गई? क्यों नहीं आपने मानवता के आधार पर इन तक नौकरियों को, ये आप क्यों नहीं किया? ये आपकी सरकार के पाप का चिट्ठा मेरे पास है, बजरंग दास गर्ग, ये उद्धव सरकार के पाप का चिट्ठा। चलिए, अभी आरोप प्रत्यारोप के बीच आज ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी अपना समय निकालने के लिए, बजरंग दास गर्ग जी आपका बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, भूप सिंह बिजली आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि पीटीआई टीचर्स परेशान है, सड़कों के ऊपर है, राजनीति उसके ऊपर अपने आप हो रही है, वो भी आप लगातार देख रहे हैं। और एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है जब पीटीआई टीचर्स लगातार विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, और अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या समाधान इस पूरे विषय का निकाला जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।